Hi everyone, so we are back with our one pot recipes and today we are doing our most favorite recipe of mango baked yogurt. So we need just the basic three ingredients. It's a three ingredient dessert, you can say. We need milk, condensed milk and curd. So सबसे पहले हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे. जिस ट्रे में हम बेक करेंगे उसी में हम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे 1 कप. तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटीज़ में लेनी है. आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं. देन आई एम एडिंग मिल्क टू इट द सेम क्वांटिटी. अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा क्रीम ऐड कर सकते हैं, हाफ अ क्वांटिटी टू मेक इट मोर क्रीमियर. बट अदरवाइज दीज थ्री इंग्रीडियंट्स आर इनफ. क्रीम नहीं भी ऐड करेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनती है ये डिश. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क का बहुत थिकनेस में डिफरेंस होता है. सो मिक्स करने से सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएगी. इसके बाद हम डालेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ कर्ड यानी कि दही एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे. बट ओवर मिक्स नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल हमें सब चीज़ों को एक साथ एक जैसा स्मूथ बनाना है. और ये सब हम बेकिंग ट्रे में ही करेंगे. ये मिक्स करने के बाद एक अलग से हम ट्रे लेंगे जिसको हम ओवन में डालते हैं एंड उसके अंदर हम पानी डालेंगे. सो इस पानी से ये जो योगर्ट है वो बेक होगा, स्टीम होगा एंड इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्रीज पे 25 to 30 मिनट्स. बेक होने के बाद यू कैन सी कि वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, बट आप चेक करेंगे ये क्लीन निकला है. सॉफ्ट है बट जब हम इसे चिल करेंगे फ्रिज में तो ये अपने आप ही थिक हो जाएगा. सो इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 4 to 5 आवर्स के लिए. तो नाउ यू कैन सी इट इज़ फुली थिकेंड. आप इसको अच्छे से पोर्शंस में कट भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कट हो जाएगा. देन आप इसके ऊपर टॉपिंग्स में फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हैं, चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, कोई भी सिरप डाल के इसे सर्व कर सकते हैं. सो फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप लाइकिंग इट एंड कीप शेयरिंग मोर. थैंक यू.